नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए ले चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में, जहां ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बरौला बाईपास पर जाम की स्थिति देखने को मिली। ये आपको बता दें कि जिन गाड़ियों पर परमिशन होती है उनको प्रवेश किया जाता है, क्या उन गाड़ियों से एक्सीडेंट नहीं होगा? जो गाड़ी उत्तर प्रदेश भारत सरकार के द्वारा चावल और गेहूँ की गाड़ी प्रवेश कर रही है उनको भी रोका जा रहा है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। यह स्थिति है, ये देखिए, ये मौके पर आज पूरी जाम लगी हुई है। जिधर भी देखो ये भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ता चला जा रहा है। और परमिशन कौन बनाता है? ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी परमिशन बनाते हैं। ये देखिए ये क्या स्थिति। राहुल कुमार दरोगा जी हैं और इनकी वजह से, और एक ये सिपाही हैं, इनकी वजह से लगातार जाम लगा हुआ और आज तक बरौला पुल पर कभी भी जाम नहीं लगा, क्योंकि इनने परमिशन, कमलेश कुमार PSI जी ने परमिशन बांटते हैं। वो एक आदमी है उसको परमिशन देते हैं, जिस ट्रक पे परमिशन है वो निकलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा जिस ट्रक पे परमिशन है वो क्यों निकलेगा, वो दुर्घटना नहीं करेगा क्या? और कम से कम एक घंटे से कमलेश दरोगा जी की वजह से, और ये जो एक सिपाही खड़े हुए हैं, एक दरोगा जी खड़े हुए हैं, इनकी वजह से लगातार जाम यहाँ लगा हुआ है। ट्रकों का जमावड़ा है इधर, क्योंकि ये रोक रहे थे ट्रकों को, इस वजह से लगातार ट्रक रोकने की वजह से जाम लगा हुआ है। नहीं, आज तक यहाँ जाम नहीं लगा। सरकारी खाद्यान्न जो चावल की रैक लगी हुई है, जो मोदी योगी जी ने जो चावल का गरीब लोगों के लिए उसको ही प्रभावित कर रहे हैं, बार बार ट्रक वालों की फोटो खींचे जा रहे हैं, 20-30 हज़ार का चालान कर रहे हैं। देखिए कितना इन लोगों की वजह से जमा बढ़ा, क्योंकि इनको जो 50-100 रुपये इधर से ले लेते हैं वो ट्रक वालों ने देने से मना कर दिया। लगातार जाम जाम, इतना पूरा इन लोगों की वजह से पूरा बरौला पुल जाम से भर गया है।